तुम इतने टेंशन में क्यों हो? डोंट वरी, कोई जानवर हम पे अटैक नहीं करेगा। तुम नए हो ना अभी, डर जानवरों का नहीं है। तो फिर पास्टर फोड़ू का है, वो जानवरों से ज्यादा डेंजरस है। अरे फास्टर फोड़ू का नाम लिया और फास्टर फोड़ू हाजिर। अटैक। तो कितने सारे प्लांट्स लगा दिए हमने यहाँ पर, इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। अभी तो और भी प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि आज हम प्लांट्स लगा के जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे 3 words में कहते हैं वर्ल्ड प्लांट डे। मुझे लगता है कि दुनिया में इतने सारे ट्रीज काटे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि हर वीक नए प्लांट्स लगाने चाहिए और वर्ल्ड ट्री डे मनाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल हमारी तरह। इस बात को 1 word में कहते हैं परफेक्ट। गाइस मैं भी हूँ, मुझे भूल मत जाना। यस सुपर स्पीडो, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। टिम्पो ना, ये तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? अयो अयो, इन लोगों का इतना स्ट्रांग फ्रेंडशिप देख के हम थोड़े इमोशनल हो गए जी। टिम्पो ना, इधर आओ इधर आओ, आओ आओ, तुम यहाँ पे आंसू बहाओ, चाहे ना कि कम से कम प्लांट्स को पानी ही मिल जाएगा। चलो यहाँ तो हमने काफी प्लांट्स लगा दिए, अब चल के गार्डन की दूसरी तरफ भी प्लांट्स लगा देते हैं। सूरज की चमकती रोशनी में टिमटिमाते तारे ने कैंडल जला के फिर बुझा के अपना बर्थडे केक काटा। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। मगर जूनियर अंकल, पहले उसका मतलब तो बताइए। झटपट सर कह रहे हैं कि इन्हें खुफिया इन्फॉर्मेशन मिली है कि सन सिटी के बाहर जो जंगल है वहाँ कोई चोरी छिपे पेड़ काट के उन्हें ले जा रहा है। 2 words में इसे कहते हैं वेरी रॉन्ग। ईश कमाल है, हम यहाँ और प्लांट्स लगा रहे हैं और कोई वहाँ जंगल में पेड़ों को काट रहा है। मम्मी प्लीज पेड़ों को काटने से बचाओ। डोंट वरी मियर अंकल, किको और सुपर स्पीडो के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, तुम और सुपर स्पीडो जाके उस पेड़ चोर को सबक सिखा दो। हाँ आयो, सिर्फ किको और सुपर स्पीडो नहीं जाएंगे बल्कि हम सब साथ जाएंगे। कहाँ? उस जंगल में। आयो करेक्ट, अब हम सब साथ जंगल जाके उस पेड़ चोर को पकड़ेंगे जी। लगता है झाड़ियों में से शेर आ रहा है। मम्मी बचाओ। हाय मेयर, डोंट वरी जी, मेरे स्पैनर का मार खा के बड़ा बड़ा शेर ढेर हो गया जी। एक मिनट टेम्पो ना, रुक जाइए, हमें इस तरह जानवरों को मारना नहीं चाहिए।
उरी मोरी मदर, शायद शेर आने वाला है यहाँ पर। आज तो शेर हमें देखकर बोलेगा, कुछ खा लेता हूँ। हाय मेरे, तुम बेकार में डरते जी। इधर शेर नहीं, खरगोश है, खरगोश। मैं किसी शेर वेर से नहीं डरता। अब पता है, एक बार मैंने एक शेर को कुश्ती में इतनी बुरी तरह पटका था कि वो शेर बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग गया। सच्ची में अंकल? अब और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर अब स्ट्रॉबेरीज गिरे। मेयर अंकल, स्ट्रॉबेरीज थोड़ी खट्टी है, प्लीज अगली बार से मीठी स्ट्रॉबेरीज बोलिएगा। अयो, इतना गाना जंगल के अंदर भी मेयर अपना बैकअप बागी से बाज नहीं आता जी। ईश, लगता है फिर से खरगोश है, मैं अभी जाके उसे पकड़ता हूँ। हाँ, देखना कैसे कान से पकड़ के उठाता हूँ खरगोश को। हा हा हा। मेयर, बाज ऑटो जी। ठीक है, मीठे मिक्सचर को झटपट कहते हैं, जो फूर्ती से मुजरिम को पकड़े उसे जासूस झटपट कहते हैं। अयो, ये तो जुबान से ज्यादा हाथ चलाता जी। ये तो फास्ट फूड है, बहुत खतरनाक है ये, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। मम्मी, और फास्टर फोड़ू आपस में भिड़े हुए हैं। वेरी गुड, यही सही मौका है, सारे के सारे ट्रक्स जंगल के अंदर ले आओ। मगर बॉस, फास्टर फोड़ू तो किको पे भी भारी पड़ रहा है, कहीं फास्टर फोड़ू ने हमारे ट्रक्स पे भी अटैक कर दिया तो? किको और सुपर स्पीडो के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने इसीलिए तो जासूस झटपट के जरिए पेड़ चोर के बारे में खबर भिजवाई थी। मुझे पता था कि खबर सुन के किको जरूर यहाँ आएगा और हमारा काम आराम से हो जाएगा। अब ठीक है बॉस, मैं सारे ड्रग्स भेजता हूँ। सेफ ट्रीज, लगता है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ड्रग्स हैं। अब मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही होगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें फास्टर फोड़ू को पकड़ना होगा। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 121। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 121। सुपर स्पीडो, फास्टर फोड़ू उस ट्रक को फोड़ देगा। क्या हम उस ट्रक को बचाने के लिए फॉर्मूला नंबर 175 लगा सकते हैं? Why not bro? अभी लो। अप्लाइंग फॉर्मूला 175। Zigzag position, super speedo.
कीको, डैमेज ज्यादा हो गया है, ऑटो रिपेयर में टाइम जाएगा। ऑल राइट सुपर स्पीडो, तब तक मैं फास्टर फोड़ो से निपटता हूँ। लेकिन कीको, फास्टर फोड़ो का सामना तुम खाली हाथ कैसे करोगे? सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 97। ओके कीको। अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस जंगल से मैं किसी को पेड़ काट के नहीं चुराने दूंगा। इस जंगल से मैं किसी को पेड़ काट के नहीं चुराने दूंगा। इसका मतलब आप पेड़ चोर नहीं है? नहीं, मैं तो पेड़ चुराने वालों को जंगल में घुसने से रोकता हूँ। तो तुम दानों की पेड़ चुराने में मदद करने नहीं आए थे? मैं सुपर स्पीडो और मेरे फ्रेंड्स पेड़ की चोरी को रोकने आए थे, मगर ये दानू है कौन? दानू नाम का एक आदमी है जो अक्सर अपने आदमियों को भेजकर पेड़ चुराता है। अभी जो ट्रक्स गए थे जिन पे सेव ट्रीज लिखा था, वो दरअसल दानू के ही ट्रक्स थे। यानी दानू ने सबको उल्लू बनाने के लिए उन ट्रक्स पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिख रखा है। हाँ, मैंने आज तक उन्हें जंगल के अंदर घुसने से रोका था, मगर आज वो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। पर कोई बात नहीं, अब हम सब साथ मिलकर दानू को पेड़ चोरी करने से रोकेंगे। यस, इसका मतलब हम तीनों एक साथ मिलके एक टीम की तरह लड़ेंगे। चलो चलो चल के दानू को ढूंढते हैं। दानू बॉस, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। फास्टर फोड़ो की सच्चाई कीको को पता चल चुकी है। अब कीको, सुपर स्पीडो और फास्टर फोड़ो एक टीम बना के आपसे निपटने आ रहे हैं। आने दो तीनों को, अब वो मुझसे नहीं बल्कि मैं उनसे निपटूंगा। अब मेरे पास वो फौज है जिससे मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को आसानी से कुचल सकता हूँ। अब मजे से पेड़ चुरा के बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। देखता हूँ अब कौन मुझे रोकता है। अटूट है दानू के दानव, नहीं जीत सकता उनसे कोई सुपर मानव। इतने घने जंगल में हम दानू को ढूंढेंगे कहाँ? वो देखो, वो रहे उन ट्रक्स के टायर्स के निशान। सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 35 और निशान को फॉलो करो। ओके ब्रो, अप्लाइंग फॉर्मूला 35। को सुपर स्पीडो और फास्टर फोड़ू। मन करता है तुम सबको जी भर के तोड़ू। दानू, आप जो पेड़ों की चोरी कर रहे हैं वो रॉन्ग है। अब प्लीज ये काम छोड़ के राइट काम कीजिए। और अगर ना करूं तो हम लोग फाइट फॉर राइट करेंगे। अब तो फास्टर फोड़ू भी हमारे साथ है। अटूट है दानू के दानव, नहीं जीत सकता उनसे कोई सुपर मानव। मेरे पास ऐसी चीज है जिसका मुकाबला तुम क्या इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये देखो। ये है दानू के रोबोटिक दानव। ये तुम लोगों को मारेंगे नहीं,
बल्कि तुम सबका भरता बनाएंगे। सुपर स्पीडो एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 45। यस किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 45। जंगल के राजा को कहते हैं शेर और सुपर स्पीडो ने कर दिए सारे दानव ढेर। ये तो फिर से जुड़ गए। यही तो खासियत है मेरे इन रोबोटिक दानव की, चाहे तुम इनके जितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो मगर ये फिर से जुड़ के खड़े हो जाएंगे। अटैक से मेरे रोबोटिक दानव का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अब देखते हैं कि इनके अटैक से तुम लोग कैसे बचते हो। दानव के दानों से बचने का बस एक ही तरीका है। तुम सब भीगी बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग जाओ। नहीं दानू, रॉन्ग के सामने राइट कभी नहीं भागता बल्कि फाइट करता है। ठीक है, अगर फाइट करने का इतना ही शौक है तो फाइट कर लो। इनसे लड़ना तो मुश्किल लग रहा है। किको, जल्दी से इनसे निपटने का आइडिया सोचो, वरना ये रोबोटिक दानव हमें ही निपटा देंगे। एक तरीका है, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 32। मैं कुछ समझा नहीं किको। हमें उस रोबोटिक दानव से एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी लड़ना पड़ेगा। सुपर स्पीडो बड़ी, तुम तैयार हो ना? चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो मगर याद रहे, मेरे रोबोटिक दानव को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेट्स गो। अटूट है दानू के दानव, नहीं जीत सकता उनसे कोई सुपर मानव। सुपर स्पीडो, याद रहे सही टाइम पे फॉर्मूला नंबर 32 एक्टिवेट करना। डोंट वरी किको, हो जाएगा। दानव, तुम्हारे दानव टूटे हुए टुकड़ों से फिर से बन जाते मगर पाउडर से नहीं बन सकते, समझे? अरे, इन्होंने तो मेरे सारे रोबोटिक दानव का चूरा बना दिया। यहाँ से अब पतली गली पकड़ के तुम दबा के भागने में ही भलाई है। Oh!
जूझ के मुरब्बे ने चीटी की सेना को चांदनी चौक में लड़खड़ाती हुई बिनबिनाती मक्खी की गोद में बिठा दिया। मतलब सर, पहले मैं कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। ईश, क्या बात है किको, आखिर तुमने और सुपर स्पीडो ने असली पेट चोर को पकड़ ही लिया। हा, हा, हा। सिर्फ मैंने और सुपर स्पीडो ने ही नहीं बल्कि फास्टर फोड़ो भी हमारे साथ थे। अयो सॉरी फास्टर फोड़ो, हम लोग आपको गलत समझे। कोई बात नहीं, गलत फहमियाँ तो होती रहती है, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब ने मिलके जंगल के पेड़ों को कटने से बचाया। यस, और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रीज आर आर बेस्ट फ्रेंड्स।